नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज नाइन के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। रोहतास के नोखा प्रखंड मुख्यालय पर एक भी स्टेडियम नहीं है, जबकि नोखा में फुटबॉल मैच हमेशा ही होता रहता है। खेल को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम खेल मैदान जरूरी है, जिसको लेकर के विभाग को लिखा जाएगा। नोखा में जहां पर खेल होता है वह मैदान बाजार समिति का होने के कारण वहां स्टेडियम नहीं बन पाएगा। स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश की जाएगी, ये बात काराकार सांसद महाबली सिंह ने कही है। मौका था तराड़ के डिरिया खेल मैदान में कैनवास क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन का। उद्घाटन की मैच सूर्यपुरा और सरियाव के बीच खेला गया, जिनमें पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्यपुरा की टीम ने 6 ओवर में 9 विकेट पर 49 रन बनाए। इसके जवाब में सरियाव की टीम 3 विकेट पर 6 ओवर में 33 रन ही बना पाई। इस तरीके से 16 रनों से सूर्यपुरा की टीम ने जीत दर्ज कर अगले राउंड में प्रवेश किया। मैच के उद्घाटन करते हुए काराकाट के सांसद महाबली सिंह कुशवाहा ने खिलाड़ियों से कहा कि क्या आप लोग खेल को खेल भावना से खेले, प्रतिभा गांव में ही बसती है। आज औरंगाबाद किसान किसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाए हुए हैं। इस तरीके से ग्रामीण खिलाड़ियों को मदद मिले तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्वच मैच परचम फैलाया जा सकता है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार प्रयासरत है। क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मैच में उपस्थित हमारे लोका विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके नागेंद्र सिंह वंशी जी, जिला पार्षद रविशंकर सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि अरविंद उपाध्याय जी, सांसद प्रतिनिधि हिमांश कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित नामी नगर के सांसद प्रतिनिधि राजा बाबू, पार्टी के अध्यक्ष हमारे जा चुके रूपेश चंद्रवंशी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित नोखा प्रखंड के हमारे प्रमुख सुधांजी चौधरी जी, कैलाश पासवान जी, इधर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के जुझारू साथी बक्सर से चल करके आए हैं, देख रहे हैं मोहित जी, पार्टी के हमारे साथी अभिषेक पटेल जी, इस पंचायत के हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित राजनीतिज्ञ, इस इलाके से आए हुए यहाँ खेल प्रेमी और खिलाड़ी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।